साइटोट्रोगा सीरियला, इसको इसकी जो स्पीशीज है इसको याद करने की ट्रिक है सीरियल्स। सीरियल ऐसे प्लांट्स होते हैं, मेनली इनके अंदर पोएसिया फैमिली के आते हैं प्लांट्स जो इनके हम ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया, वीट हो गया, तो साइटोट्रोगा सीरियल इला। उसके बाद अगर हम ये इसका अडल्ट शो कर रखा है, अडल्ट्स का अडल्ट जो है उसके विंग्स ओपन करके, और ये इसका ग्रब है, ग्रब नहीं होता मेनली लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर इसको हम कैटरपिलर कहते हैं जो लार्वा स्टेज होती है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है कि क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, क्योंकि जितने भी मोथ्स होते हैं वो लेपिडोप्टेरा के अंदर आते हैं। और उसके बाद आता है कि इसकी जो फैमिली है वो है गैलीचीडिया। गैलीचीडिया के अंदर क्या आते हैं कि इनको ट्विलिंग मोथ्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर स्पिन करते रहते हैं, और इसलिए इनको ट्विलिंग मोथ्स कहते हैं। और ये जो स्पिनिंग होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर कोर्टशिप या अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और एक और फीचर जो होता है इस फैमिली का वो ये होता है कि इसके अंदर जो मोथ्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। अगर हम दूसरे मोथ्स देखते हैं, जैसे येलो स्टैम्प बोरर की बात करते हैं या सेस्मी या इनफेरेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर उसका जो साइज था वो अप्रोक्सीमेटली था कि वो सेंटीमीटर के अंदर होता है, लेकिन ये जो मोथ होता है ये 5 to 6 mm जो होती है इसकी लेंथ होती है। और इसके अलावा इसको ग्रेन एंड फ्लोर मोथ भी बोलते हैं, इसलिए भी हम ग्रेन मोथ बोलते हैं, तो इससे भी सीरियल वर्ड जो होता है वो कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो ये अडल्ट मोथ होता है, तो इस ये जो फैमिली होती है गैलीचीडिया, एक तो इसके अंदर क्या होगा कि मोथ्स काफी छोटे होते हैं, और उसके अलावा जो मोथ्स होते हैं इनकी जो मार्जिन होती है विंग्स की वो कैसी होती है, फ्रिंज्ड होती है। यहाँ पर ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा जो होते हैं जो शार्पली पॉइंटेड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मार्जिन्स के ऊपर, तो ये भी इसका रिकग्नाइजेशन पॉइंट भी है, या इनको हम फैमिली का करेक्टर भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर इसका स्पेसिमेन की बात देखें तो इसका एक ये स्पेसिमेन है, हाँ प्रिजर्वेशन के कारण तक क्लियर नहीं है, ग्रेन एंड द फ्लोर मॉथ। तो इससे इसका साइज जो है वो काफी कम है एज कंपेयर विद द अदर मॉथ्स। एंड अब हम आते हैं कि इसकी सबसे पहले आती है डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ग्रेन मोथ है, तो ग्रेन से तो एक तो होस्ट प्लांट का अगर हम देखें तो पता चल जाता है कि जो इसके होस्ट प्लांट होंगे वो होंगे वीट, राइस, मेज, जवार, सारे के सारे जितने भी ये ग्रेन्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोलाइटन, मिले जितने भी जो ग्रेन्स के पेस्ट होते हैं वो कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन ही होते हैं। और फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेस्टेशन जो थी वो यूएसए के अंदर थी, नॉर्थ कैरोलिना के अंदर। उसके बाद आती है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के अंदर एक चीज तो क्या आ गई, कलर अगर हम देखें तो येलोइश, इस यहाँ पर ये क्या है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि इनके जो हिंड विंग्स सॉरी फोर विंग्स होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका नंबर फिक्स नहीं है, जैसे दो नहीं है। जैसे हम येलो स्टैम्प बोरर की बात करें तो उसके ऊपर विंग्स के ऊपर दो होते हैं, यानी कि पर विंग एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर टू और मोर मेनली इसके अंदर फोर जो होते हैं स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं, ऑन ईच वन और टू ऑन ईच फोर विंग हमें स्पॉट्स मिलते हैं। उसके बाद आती है कि एजिस के ऊपर, जैसे जो फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर था वो क्या था कि जो इनकी मार्जिन्स होती हैं विंग्स की उसके ऊपर क्या होते हैं, काफी पॉइंटेड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, येलोइश ब्राउन कलर का इसका कलर होता है, पेल ब्राउन। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, मेनली जितने भी पेस्ट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 1 month के अंदर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो वीट वीवल होता है उसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल बड़ी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 month एंड 15 days तक की, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल 35 days के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब ये वीविल नहीं है, तो वीविल नहीं होंगे तो फीमेल होगी वो जो ग्रेन है उसके अंदर एग्स को ले डाउन नहीं करती, बल्कि सरफेस के ऊपर एग्स को ले डाउन करती है, और एग्स स्टार्टिंग के अंदर व्हाइट कलर के होते हैं वही हो जाएगा, लेकिन बाद में वो रेड टर्न हो जाते हैं ऑन द सरफेस, वो एग्स को ले डाउन करती है। सिंगली भी हो सकते हैं या क्लम्प के अंदर भी हो सकते हैं,
और एग्स ओवल होते हैं, वही 0.5 mm जो होती है इनकी लेंथ होती है। इनिशियली वाइट होती है, बाद में वो रेड हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो 400 के अप्रोक्स जो होती है एग्स को ले डाउन करती है। उसके बाद आता है कैटरपिलर कि आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद, इंक्यूबेशन वही 1 week के अप्रोक्स, 1 week 4 to 7 days के इंक्यूबेशन के बाद व्हाइट कैटरपिलर निकल के आते हैं, जिनका जो हेड होता है वो कैसा होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। अब ये क्या करते हैं, अब ये सीड के अंदर एंटर कर जाते हैं, सीड के अंदर एंटर करेंगे, अपने आप को पूरे तरीके से डेवलप करेंगे और फिर प्यूपेशन अंडरगो करते हैं, और ये 5 molts भी अंडरगो करते हैं कि ये सीड ग्रेन के अंदर एंटर करते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं, 10 दिनों तक अपने आप को ग्रो करते हैं, और उसके बाद जो पूरे तरीके से जब ये डेवलप हो जाता है तो ये 6 mm जो होती है इसकी लेंथ होती है, यानी कि अप्रोक्स 0.5 cm। और उसके बाद ये 5 बार मोल्टिंग करता है, और ये स्टेज 20 days के लिए होती है। यानी कि एग, सबसे पहले क्या था कि एग हुआ, एग की इंक्यूबेशन हुई 1 week, 1 week के बाद ये 10 दिनों तक ग्रो करता है, और ये स्टेज टोटल 20 days के लिए होती है। और उसके बाद आता है कि ये ग्रेन के अंदर ही प्यूपेशन करता है, कि लार्वल और प्यूपल स्टेज जो होती है वो सीड के अंदर यानी कि ग्रेन के अंदर ही होती है, तो वहां पर प्यूपेशन अंडरगो करता है। प्यूपा कैसा होता है कि ब्राउनिश कलर का प्यूपा होता है, एक रफ कुकून के अंदर वो प्यूपेशन करता है। प्यूपेशन के लिए भी जो प्यूपा स्टेज होगी वो भी जो होती है कि 7 to 10 days के लिए जो होती है प्यूपेशन या प्यूपा स्टेज होती है। उसके बाद वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट कैसा है, येलोइश ब्राउन कलर का होगा, वो सीड से बाहर एमर्ज आउट कर जाता है। एंटायर लाइफ साइकिल 30 days के अंदर या 35 days के अंदर कंप्लीट हो जाती है। एग से जब वो इंक्यूबेशन कितना हुआ, 1 week के लिए वो इंक्यूबेट करता है। उसके बाद जो हमारा क्या है, लार्वा है, लार्वा कितनी डेज तक की डेवलप करता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 days के बाद के लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर लेता है। फिर वो प्यूपेशन अंडरगो करता है। प्यूपा स्टेज कितने की होती है, 7 days। और जो अडल्ट होता है उसका लाइफ स्पेन जो होता है वो 15 days के अप्रोक्स होता है। तो इसके बाद आता है कि मेन डैमेज जो होता है वो हमेशा की तरह कौन कॉज करता है, कैटरपिलर कॉज करता है, क्योंकि जो लार्वा होता है वो फीड करता है स्टार्ची पोर्शन ऑफ द सीड, अडल्ट एस्केप जो कि एक सर्कुलर होल क्रिएट करता है और उससे अडल्ट बाहर निकलता है। और 6 generations इनकी हो सकती हैं जो होती है कि 1 साल के अंदर। और अडल्ट मॉथ्स डू नॉट फीड ऑन ग्रेन्स। उसके बाद आता है कि मेन डैमेज कैटरपिलर करते हैं। कैटरपिलर अगर हम जो होते हैं वो क्या, क्योंकि वो बोर करते हैं, होल क्रिएट करते हैं, ग्रेन के अंदर एंटर करते हैं और उसके स्टार्ची पोर्शन के ऊपर वो फीड करते हैं। उसके बाद ये हो गया कि वो उसके ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हमने बहुत सारे ग्रेन्स को जो है स्टोर कर रखा है तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर को ही वो इन्फेस्टेशन शो करते हैं, लेकिन अगर हमने गनी बैग्स के अंदर अगर ग्रेन्स को स्टोर किया है तो वो उसकी पेरीफेरी जो होती है वहां पर इन्फेस्टेशन शो करते हैं। अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के अंदर क्या जाएगा कि ग्रेन्स को सुखा के हम सनलाइट के अंदर हम उसका जो है टेम्परेचर मॉइस्चर लेवल को कम कर सकते हैं, तो जिसके कारण भी और जो होते हैं कि पेस्ट को मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी ज़्यादा। और उसके अलावा भी केमिकल्स में फ्यूमिगेशंस आ जाते हैं, या जो गनी बैग्स के अंदर अगर हम स्टोर करते हैं तो उनको वाइल्ड वाटर के अंदर या वेरियस केमिकल हम यूज़ करके उनको स्टेरलाइज कर सकते हैं। नीम वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कि अगर ये सरफेस के ऊपर ही इन्फेस्टेशन शो करते हैं तो जो सरफेस के ग्रेन्स होते हैं उनको हम गनी बैग से कवर कर सकते हैं। उसके बाद इनकी डेवलपिंग स्टेज गनी बैग से अटैच हो जाएगी और उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।